ये झारखंड के पलामू का एमएमसीएच अस्पताल है। भवन के निर्माण में 36 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी 100 बेड वाले इस अस्पताल का क्या हाल है वो देख लीजिए। अस्पताल के छत से पानी बह रहा है। भवन का ये स्थिति इसके निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रही है, भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। जैसे ही बारिश तेज हुई, अस्पताल के छत से पानी बहने लगा। मरीज और स्वास्थ्य कर्मियों की फजीहत हो गई। कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। छत से सीढ़ी के पास ही तेज बहाव से पानी गिर रहा था। इस वजह से लोग जिस फ्लोर पर थे वहीं फंस गए। निचली तल्ले से लोग ना ऊपर जा सके और ना ही ऊपरी तल्ले से लोग नीचे आ सके। छत के जिस हिस्से से पानी गिर रहा था वहां का फॉल्स सीलिंग टूटकर लटक गया। गनीमत रही कि वो नीचे नहीं गिरा। आपको बता दे, अस्पताल के इस भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 नवंबर 2022 को किया था। उद्घाटन समारोह में मंत्री, सांसद और विधायक भी मौजूद थे। हालांकि उद्घाटन के दौरान अस्पताल में फर्नीचर, लाइटिंग समेत कई काम अधूरा था। इस वजह से भवन का हैंडओवर नहीं हुआ था। भवन हैंडओवर होने के बाद वर्ष 2024 के जनवरी में पलामू उपायुक्त ने अस्पताल का उद्घाटन किया। अभी उद्घाटन के 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन भवन के छत से पानी टपकने लगा, फॉल्स सीलिंग तक टूटकर लटकने लगा। पहली बारिश में ही अस्पताल पानी पानी हो गया। तो ऐसे में सवाल उठता है, अस्पताल प्रशासन ने ठेकेदार से जांच पड़ताल कर हैंडओवर क्यों नहीं लिया? अगर भवन निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ तो इसमें अस्पताल प्रबंधन का भी हिस्सा तो नहीं? सवाल तो बहुत है। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह का कहना है कि ठेकेदार से हैंडओवर लेते समय भी बरसात था और छत से पानी टपक रहा था। 4 बार रिपेयर करवाया जा चुका है, पर समस्या ज्यों का त्यों है।